हेलो स्टूडेंट्स टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट फिजिकल डेवलपमेंट फिजिकल डेवलपमेंट इंक्लूड्स बोथ ग्रोथ एंड द एबिलिटी टू यूज़ मसल्स एंड बॉडी पार्ट्स फॉर पर्टिकुलर स्किल्स बोथ ग्रॉस एंड फाइन मोटर स्किल्स कंट्रीब्यूट टू फिजिकल डेवलपमेंट एंड चिल्ड्रेन ऑफ लर्न सेट ऑफ स्किल्स बाय अ सर्टन एज फिजिकल डेवलपमेंट में जो हमारे जितनी भी स्किल्स होती हैं स्किल्स को दो पार्ट में हम क्लासीफाई कर सकते हैं फर्स्ट जो होती हैं वो हमारी लार्ज मसल मूवमेंट से रिलेटेड होती हैं जिसे हम ग्रॉस मोटर स्किल्स कहते हैं जैसे हाथ का मूवमेंट करना पैर का मूवमेंट करना इसको हम लार्ज या ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट कहते हैं दूसरी जो हमारी होती हैं वो फ़ाइन ग्रॉस फाइन मोटर डेवलपमेंट होते हैं जैसे किसी चीज़ को पकड़ना या ड्राइंग करना या लिखना ये जो फ़ाइन एबिलिटी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं इन्हें हम फाइन मोटर uh, डेवलपमेंट कहते हैं और इसमें हमारे uh, जो स्मॉल मूवमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं नॉट लार्ज मसल्स आर नॉट इन्वॉल्व इन दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट तो फिजिकल डेवलपमेंट इज सिनोनिमसली यूज विद मोटर डेवलपमेंट मोटर डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है जो हमारी फिज़िकल ग्रोथ होती है उसी को मोटर डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं और उसमें भी हम इनको दो पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट और फ़ाइन मोटर डेवलपमेंट ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट में लार्ज मसल्स का इन्वॉलमेंट होता है और फाइन मोटर डेवलपमेंट में फ़ाइनर uh, मसल्स और जो हमारे बहुत सटल मूवमेंट होते हैं जिनमें ज़्यादा एक्सपर्टाइज की ज़रूरत होती है तो जब मसल्स uh, स्ट्रांग हो जाती हैं तो हम उन्हें कर पाते हैं तो और जो ये फ़िज़िकल डेवलपमेंट हैं इनके हर एज पे कुछ ना कुछ माइल हैं और हर माइल को हर ऐज uh, लेवल पे पार करना ज़रूरी होता है अगर नहीं होता है अगर उस माइल को बच्चा नहीं पार कर पाता है तो हम उसे uh, ये मान के चलते हैं कि उसका फिज़िकल डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो रहा है फ़िज़िकल डेवलपमेंस द प्रोग्रेस ऑफ ए चाइल्ड्स कंट्रोल ओवर हिज बॉडी वो अपने बॉडी पे कितना कंट्रोल करता है उसकी क्या प्रोग्रेस है वो कैसे छोटा अप... बच्चा होता है वो उसका हेड मूवमेंट कैसा होता है वो अपने हेड को कैसे होल्ड करता है इनके भी सब स्टेजेस होती हैं हेड को होल्ड कर पाता है कि नहीं कर पाता है बैठ पाता है कि नहीं पाता है बिना सपोर्ट के बैठता है कि नहीं बैठता है खड़ा होता है तो बिना सपोर्ट के खड़ा होता है फिर धीरे धीरे चलना शुरू करता है पहले एक स्टेप उठाता है चलने से पहले भी क्रॉल करना शुरू करता है तो ये सारे माइल हैं जो डिफरेंट एज लेवल्स में फिजिकल डेवलपमेंट को कंट्रीब्यूट करते हैं सो दिस इंक्लूड्स कंट्रोल ओवर मसल्स फिजिकल कोऑर्डिनेशन एबिलिटी टू सिट एंड स्टैंड द फिजिकल चेंजेस अकर इन द फॉलोइंग डायमेंशंस फर्स्ट इज चेंजेस इन ग्रॉस फिजिकल स्ट्रक्चर ग्रॉस फिजिकल स्ट्रक्चर जो हम बाहर से देख सकते हैं उसमें चेंज होता है वो फ़िज़िकल डेवलपमेंट होता है जैसे हाइट में चेंज हो गया वेट में चेंज हो गया इसे हम ग्रॉस फिजिकल स्ट्रक्चर में बोलते हैं एंड सेकेंड इज़ द चेंजेस इन इंटरनल ऑर्गन्स जब हमारा बॉडी ग्रो करती है तो अकॉर्डिंगली हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो भी ग्रो करते हैं जैसे बोन्स डेवलप होती हैं उनके साथ साथ में हमारे और जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनका भी डेवलपमेंट होता है तो फिजिकल चेंजेस के दो डायमेंशनस होते हैं एक तो ग्रॉस फिजिकल स्ट्रक्चर और दूसरा चेंजेस इन इंटरनल ऑर्गन्स Uh, अब जो फिज़िकल डेवलपमेंट है किसी बच्चे का ये कंसेप्शन uh, से लेकर और ओल्ड एज तक चलता है और इसको हम डिफरेंट स्टेजेस में क्लासिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रूसो देयर आर फोर स्टेजेस ऑफ ए चाइल्ड्स डेवलपमेंट फर्स्ट इज इन्फेंसी इट इज़ अप टू फाइव ईयर्स सेकेंड इज़ चाइल्ड हुड अप टू ट्वेल्व ईयर्स थर्ड इज़ एडोलिस अप टू एटीन ईयर्स एंड मेच्योरिटी फ्रॉम एटीन ईयर्स ऑनवर्ड इन हर स्टेज के अपने अपने माइल होते हैं और हर स्टे हर स्टेज के माइल को फिजिकल डेवलपमेंट अगर बच्चे का प्रॉपर हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो प्रॉपर उसकी ग्रोथ हो रही है और अगर हर एज के माइल फुलफ़िल नहीं होते हैं इसका मतलब हमें किसी फिजिशियन की या कंसल्टेंट की ज़रूरत होती है तो फिजिकल डेवलपमेंट इज़ द फिज़िकल ग्रोथ फ्रॉम बर्थ टू अडल्ट so there are different milestones or uh, milestones of uh, physical development at different stages at one month holds head up हैड अप एक महीने से स्टार्ट कर रहे हैं एक महीने का बच्चा सर को उठाना सीख जाता है एट टू मंथ्स स्माइल्स विद रिकोगग्नीशन अगर वो अपने फेमिलियर फेसेस को देखता है तो स्माइल करने लगता है ऐट थ्री मंथ्स रीचेज आउट फॉर ऑब्जिक्स अगर कोई चीज़ उसके आस पास पड़ी है उसे ग्रास पड़ने की उसके पास जाने की कोशिश करता है एट फोर मंथ सेट्स विथ सपोर्ट चार महीने का जो बच्चा है सपोर्ट के साथ बैठने की कोशिश करता है एट फाइव मंथ सिट्स ऑन लैब एंड ग्रास गिव एन ऑब्जिक पाँच महीने का बच्चा है जो गोद में बैठ जाता है और जब उसको हम कोई चीज़ देते हैं तो उसे वो पकड़ने की कोशिश करता है ऐट सिक्स मंथ्स सिट्स ऑन चेयर विथ बैक रेट्स एंड ग्राफ्स डैंगिंग ऑब्जिक्स चेयर पर जिसके पीछे बैक होता है उस पर इंडिपेंडेंटली बैठ जाता है और ऑब्जिक्स को पकड़ने की कोशिश करता है सात महीने का जो बच्चा है वो बिना किसी सपोर्ट के बैठ सकता है एट एट मंथ्स ट्राइज टू क्रॉल क्रॉल जो आठ महीने का बच्चा होता है वो क्रॉल करना मतलब घुटनों के बल चलना स्टार्ट करता है वो क्रॉलिंग शुरू करता है एट नाइन मंथ्स टू ट्वेल्व मंथ्स क्रॉल्स नौ से बारह मंथ तक बच्चा क्रॉल करता है इस बीच में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं कुछ बच्चे इस टाइम पीरियड के अंदर ही खड़े हो जाते हैं या चलने की कोशिश करना शुरू करते हैं कुछ बच्चे जो होते हैं वो बारह मंथ तक आते आते मतलब एक साल तक आते आते अपना इंडिपेंडेंटली चलना शुरू कर देते हैं लेकिन इसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं इसीलिए इनका एक स्पैन दिया गया है नाइन मंथ से ट्वेल्व मंथ तक पुल्स टू स्टैंड एंड एट ट्वेल्व मंथ्स टू सेवनटीन मंथ्स मूव इन टू सिटिंग पोजिशन सिटिंग पोजिशन में मूव करता है विदाउट सपोर्ट पुल्स अप टू स्टैंड एंड वॉक्स अलोन वाई होल्डिंग ऑन द फर्नीचर टेक्स फ्यू स्टेप विदाउट सपोर्ट स्टैंड अलोन ये बारह से लेकर सत्रह साल तक के सत्रह महीने तक बच्चा वॉक करने की कोशिश करता है और बिना सपोर्ट के खड़ा हो जाता है और कुछ कुछ बच्चे जो होते हैं वो चल भी लेते हैं कुछ इसमें भी जेंडर डिफरेंसेस होते हैं जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि जो गर्ल्स होती हैं वो चलना जल्दी सीख जाती हैं लेकिन इसमें कुछ इतनी ऑथेंटिक स्टडीज़ नहीं है जिनके बेसिस पे हम जनरलाइजेशन कर सकें कि हाँ जेंडर डिफरेंसेस होता है कि लड़कियाँ जल्दी चलना सीख जाती हैं एज़ कम्पेयर टू द बॉयज़ लेकिन इसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं अट्ठारह एटीन मंथ्स टू ट्वेंटी थ्री मंथ्स द चाइल्ड वॉक्स अलोन रनस पुल्स टॉयज वाइल वॉकिंग हेल्प्स अंड्रस हिम सेल्फ और हायर सेल्फ ईट्स विद अ स्पून तो अट्ठारह साल मतलब दो साल तक आते आते बच्चा अपने आप चलने लगता है टॉयज को खींच के चलने लगता है मतलब अब थोड़ा वो वेट कैरी करने के साथ साथ भी अपने आप को बैलेंस करना सीख गया मतलब पहले तो वो सिर्फ वॉक कर सकता था लेकिन इस स्टेज तक आते आते तेईस महीने तक आते आते वो अपने आप को भी बैलेंस कर लेता है और अपने टॉयस को भी बैलेंस करता है मतलब तो उनके साथ भी चलने लगता है स्पून के साथ खाना सीख जाता है ट्वेंटी फोर मंथ्स एंड फोर्टी एट मंथ्स मतलब दो साल से लेके चार साल तक का जो एज होता है इसमें बिगिनस टू रन वॉक्स अप एंड डाउन थ्रोज बॉल ओवर स्टैंड ऑन टिप्टोज किक्स अ बॉल प्लेज विद चिल्ड्रन ऑफ द सेम एज रिकोगनाइज कलर शेप्स एट्सट्रा मतलब चार साल तक आते आते बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसकी जो ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट होता है वो ऑलमोस्ट हो चुका होता है वो बड़ी चीज़ों को होल्ड करने लगता है वो दौड़ने लगता है वो अपने पियर गैंग के साथ खेलने लगता है तो मतलब उसकी जो ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज़ होती हैं वो लगभग मतलब पूरी हो जाती हैं इस्टेज इस तक आते आते फोर्टी एट टू सिक्सटी मंथ्स मतलब चार से पाँच साल तक लीप्स जम्प्स एंड स्विंग्स स्पीक्स क्लियरली लिसन्स टू स्टोरीज एंड एंड कैन रिपीट देम इज़ क्यूरियस अबाउट एक्टिविटीज़ ऑफ and एंड इट इज एंड ही शी इज क्यूरियस टू लर्न मोर तो 5 साल का जो बच्चा है उसमें अब फिजिकल डेवलपमेंट के साथ साथ cognitive डेवलपमेंट की भी डिफरेंट स्टेजेस स्टार्ट हो जाती हैं जो आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताएँगे लेकिन यहाँ तक आते आते जो अभी मैंने आपको बताया कि जो ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट होता है जिसमें लार्जर मसल्स इन्वॉल्व होती हैं वो डेवलपमेंट ऑलमोस्ट पूरा हो जाता है इसके बाद जो बच्चे में स्टार्ट होती हैं वो फाइन मोटर डेवलपमेंट स्टार्ट होता है मतलब वो पेंसिल को कि कैसे ग्रिपिंग करेगा कैसे लिखेगा ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो पैटर्न ऑफ ग्रोथ के हिसाब से होती हैं कि जो हमारी बॉडी में डेवलपमेंट होता है वो सेंटर में पहले होता है एक्सट्रीमिटीज़ में बाद में होता है तो पहले वो अपना जो ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज़ होती हैं हाथ हिलाना सीखता है उसके बाद वो लिखना सीख पाता है क्योंकि उसके लिए बहुत फ़ाइन कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है इसलिए पाँच साल तक आते आते जो उसके ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज़ होती हैं वो कंप्लीट होती हैं और इसके बाद फ़ाइन मोटर एक्टिविटीज़ स्टार्ट होती हैं फाइव टू सिक्स ईयर्स में ही परफॉर्म सिंपल टास्क विद इंटरेस्ट कैन अंडरस्टैंड रूल्स एंड रेगुलेशंस कैन डांस क्लाइंब हॉप डिस्टिंगविश टेस्ट लेस देर शूज कैन बटन एंड शर्ट ये सारे काम आप देख लीजिए सारे ही ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज से रिलेटेड टास्क हैं एक्सेप्ट शू लेस बांधना और इसमें भी बहुत ज़्यादा फाइन एक्ट जो मोटर कोआर्डिनेशन है उनकी ज़रूरत नहीं होती बट स्टिल इसमें उतनी ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व नहीं होती इसके लिए थोड़ा एक्सपर्टाइज़ चाहिए होता है इसके बाद चाइल्ड हुड में जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है वो यही सारी जो ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज़ होती हैं इनका डेवलपमेंट होता है और इनके साथ साथ कुछ फाइन मोटर एक्टिविटीज़ जैसे स्कूल जाता है तो उसे लिखना सिखाया जाता है पेंसिल को वो होल्ड करना सीखता है और कलर्स जो होते हैं अब आजकल तो टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है तो मोटे कलर जो होते हैं वो बच्चों को प्रोवाइड किए जाते हैं कि जिसमें उनकी अच्छी ग्रिपिंग हो जाए मोटी चीज़ को वो आसानी से पकड़ सकता है और जो पतले वाले कलर्स होते हैं उनको पकड़ने के लिए ज़्यादा एक्सपर्टाइज के लिए ज़्यादा फिंगर्स में कोऑर्डिनेशन होने की ज़रूरत होती है तो बच्चा वहाँ से स्टार्ट करता है कि कैसे उसका आई हैंड कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेट करके वो कैसे अपने फाइन मोटर स्किल्स में एक्सपर्टाइज करें उसके बाद आपका अडोलिसेंस आता है इट इज़ द प्रोग्रेशन ऑफ अडोलिसेंस इज़ मार्क् बाई अ रेपिड एक्सिलरेशन इन द वेलोसिटी ऑफ ग्रोथ ऑफ ऑलमोस्ट ऑल बॉडी पार्ट्स ऑल द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी रीच देयर पीक रेट ऑफ़ ग्रोथ एट डिफरेंट टाइम्स द ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड ऑफ एक्सिलेशन कॉल द एडोलिस ग्रोथ स्पर्ट इज रीच्ड एडोलिसन तक आते आते जो फिजिकल uh, डेवलपमेंट की जो बेसिक नॉर्म्स होते हैं जितने माइल स्टोन्स होते हैं वो पूरे हो जाते हैं और इस स्टेज तक आते आते कुछ उसमें जेंडर डिफ्रेंसिस के हिसाब से फिजिकल डेवलपमेंट होते हैं कुछ हारमोनल चेंजेस के हिसाब से होते हैं कुछ uh, उसके फैमिली इन्वायरमेंट के हिसाब से होते हैं तो देयर आर सो मेनी फैक्टर विच इन क्यूमुलेटिव वे फॉर्म द फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड द एडोलिसेंट स्टेज ऑफ ग्रोथ इज ऑल्सो द फेज ड्यूरिंग विच सेकेंडरी सेक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप सच एज चेंजेस टू द एक्सटर्नल जिनाइटेलिया एंड डिफरेंसिज इन बॉडी साइज एंड बॉडी कॉम्पोजिशन इसमें जो हार्मोन्स uh, होते हैं बेसिकली सेक्स हारमोन्स टेस्टोस्टेरोन्स एंड ओस्टोस्ट्रोन इसमें ये लेडीज़ और जेंट्स में अलग अलग होते हैं एंड दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे बॉयज़ में दाढ़ी आ जाना या उनकी आवाज़ मोटी हो जाना गर्ल्स में उनकी आवाज़ और पतली हो जाती है ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाते हैं मैंस्ट्रल साइकिल स्टार्ट हो जाता है तो ये जितने हार्मोनल चेंजेस होते हैं दीज आर नोन एज द सेकेंडरी करेक्टरिस्टिक्स और ये भी फिजिकल डेवलपमेंट का पार्ट होता है एज अ चेंज इन दारमोनल लेवल इन इन साइड द बॉडी नेक्स्ट इज अडोलिस एंड सीनेसेंस द ट्रांजिशन फ्रॉम एडोलिसंस टू अडल्टुड इज़ प्राइमेरली करेक्टराइज बाई टू इवेंट्स द एंड ऑफ इंक्रीज इन हाइट एंड फुल रिप्रोडक्टिव अडल्टुड तक आते आते दो चीज़ें हो जाती हैं एक तो हाइट बढ़नी बंद हो जाती है और दूसरी जो बच्चा होता है अब अडल्ट की कैटेगरी में आता है एटीन प्लस वाली कैटेगरी में तो उसको वो आ, मतलब रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी उसमें अच्छी तरीके से आ जाती है उसमें हार्मोनल डेवलपमेंट हो जाता है उसका आ, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो अच्छी तरीके से मच्योर हो जाते हैं द कोर्स ऑफ फिजिकल ग्रोथ ड्यूरिंग अडल्टुड इज रिलेटिवली अनइवेंटफुल रेगुलर वेट बेयरिंग फिजिकल एक्टिविटी विल इंक्रीज मसल मास रेगुलर लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज विल जनरली डिक्रीज बॉडी फैट वेर इज ओवर एटिंग विल इंक्रीज द अमाउंट ऑफ बॉडी फैट जनरली स्पीकिंग हावर द अडल्ट स्टेज इज करेक्टराइज बाई इट्स स्टेबिलिटी तो अडल्टुड में अगर हम देखते हैं तो इसमें जो हाइट गेन होती है वो तो ख़त्म हो जाती है लेकिन उसके बाद इंडिविजुअल लाइफ स्टाइल पर डिपेंड करता है कि उसका वेट गेन होगा कि नहीं होगा या वेट गेन होगा या वेट लॉस होगा लेकिन कुछ भी हो इस स्टेज तक आते आते स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाती है जैसे कुछ लोगों की टेंडेंसी होती है अगर फैट गेन करने की तो उनकी वो फिजिक उसी टाइप की हो जाती है कुलों की टेंडेंसी होती है कि मतलब मैसोमाफिक uh, टाइप के होते हैं तो उनकी बॉडी उसी टाइप से होती है कुछ एंडोमॉर्फिक हो जाते हैं कुछ एक्टोमॉर्फिक हो जाते हैं तो ये उनके बॉडी पैटर्न के ऊपर डिपेंड करता है लेकिन व्हाट व्हाट सो एवर द पैटर्न ऑफ देयर बॉडी दैट स्टेबिलिटी अकर्स इन दिस पर्टिकुलर स्टेज ऑफ अडल्टुड एंड नाउ फिज़िकल डेवलपमेंट इन्वॉल्व सम डेफिनेट पैटर्न्स जो फिज़िकल ग्रोथ होती है वो uh, ट्रायल एंड एर के बेसिस पे नहीं होती इसका एक सेट फॉर्मेट होता है इसके दो टाइप के पैटर्न्स होते हैं पहला हम सिफेलो डेवलपमेंट या सिफेलो पैटर्न और दूसरा प्रॉक्सिमो डिजिटल पैटर्न सिफेलो जो डेवलपमेंट होता है वो फ्रॉम हेड टू फीट होता है इसमें दिस इज़ कॉल्ड द सिफेलो डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड देर इज़ एन एक्सेज ऑफ इंक्रीज ग्रोथ एक्सटेंडिंग फ्राम द हेड टूवर्ड्स द फीट तो मतलब जब बच्चा पैदा होता है तो अगर उसका हम बॉडी रेशियो देखें तो जो उसका हेड का पार्ट होता है वो सबसे ज्यादा बड़ा होता है और जिसके लेग्स होते हैं वो सबसे छोटे होते हैं इसका रीज़न यही होता है कि जो हमारा फिजिकल डेवलपमेंट होता है इट हैज़ अ डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न विच इज़ नोन टेक्निकली नोन एज दिफेलो कॉडल पैटर्न इसके हिसाब से जो डेवलपमेंट होता है वो सर से पैर की ओर होता है तो ये ग्रेजुअली सीट्स फ्रॉम हेड टू टो तो लास्ट स्टेज तक आते आते मतलब लास्ट स्टेज इन द सेंस एडोल्ट अडल्टुड आते आते जहाँ तक फिजिकल डेवलपमेंट होता है इसका uh, जो प्रपोशनल प्रपोशन uh, होता है बॉडी का वो इक्वल इवन हो जाता है सेकेंड इज़ प्रोजिमो डिस्टल प्रोक्जिमो डिस्टल में क्या होता है कि इसमें जो डेवलपमेंट होता है वो सेंटर से एक्सट्रीमिटीज की होता है मतलब सबसे पहले हम हाथ का मूवमेंट स्टार्ट करते हैं उसके बाद फिंगर्स का मूवमेंट स्टार्ट करते हैं इनको अब थोड़ा डिटेल में आपको बताऊँगी सिफेलो मींस मीन्स हेड टू टो एज सच द सिफेलो प्रिंसिपल रिफर्स टू द जनरल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट सीन इन द अर्स्ट ईयर ऑफ पोस्ट नेटल डेवलपमेंट स्पेसिफिकली रेंजिंग रेंजिंग फ्रॉम इन्फेंसी इन टू टॉडलरुड द सिफेलो कॉर्डल प्रिंसिपल अप्लाइज टू बोथ फिजिकल एंड फंक्शनल डिवेलपमेंट ऑफ द चाइल्ड ये वाला जो पैटर्न है दिस इज़ नोन एज सिफेलो कॉर्डल पैटर्न मतलब हेड से एरो जो जा रहे हैं वो फीट तक जा रहे हैं बी जो पैटर्न है दिस इज़ रिफ्लेक्टिंग द पैटर्न ऑफ प्रॉक्सिम डिजिटल मतलब ये सेंटर से एक्सट्रीमिटीज़ की ओर जा रहा है ये अगर हम इसे सेंटर मान लें तो ये यहाँ से फिंगर्स की ओर आ रहा है ये यहाँ से टोर्स की ओर आ रहा है cephalocaudal development is the tendency for growth to follow a sequence in which development moves from top to bottom. for example, a child's head develops much sooner than his or her legs. this is true both in terms of physical growth and motor development. the second pattern is the proximo distal pattern of development, is where growth starts at the center of the body.

शोल्डर्स में मूवमेंट होगा आर्म एज अ होल आप मूव कर पाता है बच्चा उसके बाद ये फिंगर का मूवमेंट होता है उसके बाद उसके ये फिंगर्स uh, में कोऑर्डिनेशन होता है फिंगर्स में uh, जब मसल्स स्ट्रांग हो जाती हैं तब वो किसी चीज को ग्रिप करने के काबिल बनता है लेकिन हाथ वो जब पैदा होता है तभी से मूवमेंट उसके होने स्टार्ट हो जाते हैं इसका रीजन यही है कि डेवलपमेंट हैज़ अ सर्टेन पैटर्न नाउ देयर आर डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ सो देर आर फोर प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड दीज आर डेवलपमेंट इज़ कॉन्टिनुअस जो कि स्टार्टिंग में भी बताया था कि डेवलपमेंट कॉन्टिनूअस होता है इनमें ब्रेक नहीं होता है हर स्टेज के अपने माइल स्टोन्स होते हैं और उन माइल स्टोन्स को क्रॉस करते हुए बच्चा आ, बच्चे का डिवलपमेंट होता है डेवलपमेंट इज़ ग्रेजुअल ग्रेजुअल होता है ऐसा नहीं होता है कि एक महीने का बच्चा बैठना स्टार्ट कर दे हर स्टेज की अपनी आ, रिक्वायरमेंट होती हैं अपने माइल स्टोन्स होते हैं हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती हैं जब तक मसल्स उतनी स्ट्रांग नहीं होती हैं जब तक हमारा कोऑर्डिनेशन उतना स्ट्रांग नहीं होता है जब तक हमारी कॉग्नेटिव एबिलिटीज़ इतनी स्ट्रांग नहीं होती हैं कि हम कुछ सोचने लायक हों तो हर चीज़ का एक टाइम होता है तो डेवलपमेंट गोज़ इन अ ग्रेजुअल प्रोसेस इट इज़ सीक्वेंशियल एज नेचुरल फोर्थ इज रेट ऑफ डेवलपमेंट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन तो डेवलपमेंट जो होता है इट वेरीज़ फ्रॉम पर्सन टू पर्सन हालांकि हर स्टेज के माइलस्टोन स्टोन है लेकिन उन माइलस्टोन की रेंज है जैसे एक बच्चा एक साल में भी चलना शुरू कर देता है दूसरा बच्चा सत्रह महीने में भी चलना शुरू करता है तो इसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं लेकिन उनका एक एक्सट्रीम पॉइंट आता है कि इस स्टेज तक तो चलना बच्चे को सीख लेना ही चाहिए मतलब दो साल तक आते आते सेवेंटीन मंथ तक आते आते बच्चे को चलना सीख लेना चाहिए तो इसकी रेंज कहाँ से रखी गई है बारह महीने से सत्रह महीने तक तो हालांकि इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं बट स्टिल एवरी स्टेज हैज़ इट्स स्माइल फिफ्थ इज डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक जनरल से स्पेसिफिक की ओर डेवलपमेंट होता है एंड मोस्ट स्ट्स आर कोरिलेटेड इन डेवलपमेंट एक चीज़ दूसरे चीज़ से कोरिलेटेड होती है फिजिकल डेवलपमेंट कॉग्नेटिव डेवलपमेंट मोटर एक्टिविटीज़ एंड सोशल डेवलपमेंट ऑल दीज डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड लेकिन हम लाइफ स्पैन में जब डेवलपमेंट को समझने की कोशिश करते हैं तो इनको हम सेग्रीगेट कर देते हैं कि फ़िज़िकल डेवलपमेंट काग्नेटिव डेवलपमेंट अदरवाइज़ इन्हें समझना मुश्किल होगा लेकिन अगर हम ऐस सच देखें तो फिज़िकल डेवलपमेंट को हम काग्नेटिव डेवलपमेंट से शायद अलग नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम अपने हाथ को कब मूव करते हैं जब हम कुछ सोचते हैं कोई एक्शन करना चाहते हैं जैसे जब बच्चा भूखा होता है तो वो हाथ आगे बढ़ाता है तो भूखा होने की सेंसेशन कहाँ से आ रही है वो उसके कॉग्निशन से आ रही है जैसे वो फैमिलियर फेसेस को देख के स्माइल करता है तो क्यों स्माइल करता है वो कहाँ से उसे सेंसेशन मिल रही है वो भी उसके कॉग्नेटिव एरिया से उसे मिल रही है तो ऑल दिस थिंग्स आर इंटर रिलेटेड बट स्टिल वी क्लासीफाई डेवलपमेंट फॉर अवर अंडरस्टैंडिंग एंड टू नो बेटर द टेक्निकलिटीज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डिवेलपमेंट वी डिवाइडेड इन टू वेरियस टाइप्स नाउ द क्वेश्चन अराइजेज वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सो ग्रोथ रिफर्स टू एन इंक्रीज इन साइज एविडेंट थ्रू फिजिकल चेंज ग्रोथ इज ऑल्सो यूज टू रिफर टू कंसिस्टेंट ग्रोइंग एंड एन इंक्रीज इन वैल्यू वेन योर चाइल्ड इंक्रीजेज इन हाइट एंड वेट देन दे आर एक्सपीरियंसिंग अ ग्रोथ प्रोसेस ऑन द अदर हैंड डेवलपमेंट रिफर्स टू अ प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन तो ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है डेवलपमेंट के अभी चार प्रिंसिपल्स डिफरेंट प्रिंसिपल्स आपको बताए वो सारे प्रिंसिपल को फॉलो करता है डेवलपमेंट तो डेवलपमेंट जो होता है वो ग्रेजुअल ट्रांजिशंस होते हैं ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जबकि ग्रोथ हर स्टेज में होती है बच्चे की हाइट बढ़ रही है एक स्टेज में ज़्यादा बढ़ी दूसरे स्टेज में कम बढ़ी इसी को हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहते हैं कि डेवलपमेंट में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं तो जो ग्रोथ होती है जो हाइट और तो वेट में चेंजेस हो रहे हैं इसे हम ग्रोथ कहते हैं लेकिन जो ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक स्टेज से दूसरी स्टेज में उसको हम डेवलपमेंट कहते हैं नाउ द क्वेश्चन ए राइजेज वॉट आर द डिफरेंट फैक्टर विच कैन अफेक्ट द फिजिकल डिवेलपमेंट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज हैरिडिटी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट हैरिडिटी इज द ट्रांसमिशन ऑफ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन थ्रू देयर जीन्स इट इंफ्लुएंसेज ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल अपीयरेंस सचेज हाइट वेट बॉडी स्ट्रक्चर द कलर ऑफ़ द आई द टेक्स्चर ऑफ द हेयर एंड इवन इंटेलिजेंस एंड एप्टीट्यूड तो जो फिज़िकल डेवलपमेंट होता है ये बहुत सारे डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से हेरिडिटी होता है क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि लंबे पेरेंट्स के जो बच्चे होते हैं वो भी टॉल होते हैं जिनके पेरेंट्स मोटे होते हैं उनकी हेरिडिटी ऐसी होती है कि उनमें वेट गेन करने की टेंडेंसी होती है Uh, आइस का क्या कलर होना चाहिए वो जीन से निर्धारित होता है अगर मदर और फादर दोनों से रिसेसिव जीन्स हमें मिल रहे हैं तो आंखों का कलर ब्लू हो जाएगा कर्ली हेयर मतलब हेयर की क्वालिटी वो भी जीन्स हमारे निर्धारित करते हैं तो ये जो फ़िज़िकल डेवलपमेंट है ये काफ़ी हद तक हेरिडिटी से डिटरमिन होता है कि हेरिडिटी हमने पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग ने क्या इनहेरिट किया है All those characteristics which lie in the genes of the uh, of the child affect his development. Second is the environment. The environment plays a critical role in the development of children and it represents the sum total of physical and uh, psychological stimulation the child receives. Some of the environmental factors influencing early childhood development involve the physical surroundings and geographical conditions of the place the child lives in. एज़ वेल एज ए सोशल इन्वायरमेंट एंड रिलेशनशिप विद फैमिली एंड पीएस तो इन्वायरमेंट का क्या मतलब है कि जिस इन्वायरमेंट में बच्चा रह रहा है उस इन्वायरमेंट से उसको कितना पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है जिस इन्वायरमेंट में वो रह रहा है वो इन्वायरमेंट उसके हेरिडिटी को इन्हांस कर रहा है कि नहीं कर रहा है मान लीजिए बच्चे का जो हेरिडिटी है उसमें यह है कि उसके पेरेंट्स दोनों बहुत टॉल थे तो हेरिडिटी के हिसाब से बच्चे को भी टॉल होना चाहिए लेकिन बच्चे को न्यूट्रिशन ही नहीं मिला मतलब उसका इन्वायरमेंट ऐसा नहीं है कि जो हेरिडिटी को सपोर्ट कर सके तो उस कंडीशन में उसके फिजिकल डेवलपमेंट पे उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा तो इन्वायरमेंट कैसा है उसका सोशल इन्वायरमेंट कैसा है उसका फिजिकल इन्वायरमेंट कैसा है उसकी सराउंडिंग कैसी है वो कितने पेरेंट्स uh, उसको कितने एक्सपोजर्स दे रहे हैं उसकी फैमिली में कितने मेम्बर्स हैं तो दे आर सो मेनी फैक्टर्स विच कॉन्ट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ द इन्वायरमेंट एंड विच इन टर्म्स अफेक्ट पॉजिटिवली और निगेटिवली टू द फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड थर्ड इज द सेक्स और जेंडर बॉयज़ एंड गर्ल्स ग्रो इन डिफरेंट वेज इस्पेली नियरिंग प्यूबर्टी बॉयज़ टेंड टू बी टॉलर एंड फिजिकली स्ट्रॉगर देन गर्ल्स हाउ एवर गर्ल्स टेंड टू मेच्योर फास्टर ड्यूरिंग एडोलेसेंस वाइल बॉयज़ मेच्योर ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तो ये फिजिकल डेवलपमेंट में जेंडर डिफरेंस होते हैं कि गर्ल्स जो होती हैं उनका जो डेवलपमेंट होता है एडोलेसेंस में बॉयज़ की तुलना में जल्दी हो जाता है लेकिन बॉयज का जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है वो देर तक चलता है एज कम्पेयर टू द फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ द गर्ल्स सो जेंडर ऑफ द चाइल्ड ऑल्सो डिटर्मिन्स द रेट एंड पैटर्न ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड फोर्थ इज एक्सरसाइज इन हेल्थ एक्सरसाइज इिफर्स टू द नॉर्मल प्ले टाइम जैसे एक्सरसाइज को हम कहते हैं कि मतलब बहुत हेक्टिक एक्सरसाइज जैसे जिम में जाना यहाँ पे उससे मतलब नहीं है यहाँ पे एक्सरसाइज का मतलब है नॉर्मल प्ले टाइम जो बच्चा नॉर्मली खेलता है या आउटडोर एक्टिविटीज़ उसकी होती हैं यहाँ पे एक्सरसाइज से मतलब उसका है तो एक्सरसाइज या रिफर्स टू द नॉर्मल प्ले टाइम एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटी विच हेल्प द बॉडी गेन एंड इंक्रीज इन द मस्कुलर स्ट्रेंथ एंड पुट्स ऑन बोन मास जब बच्चा नेचुरली खेलता है एक्सरसाइज करता है एक्सरसाइज इन सेंस कि वो अपने बच्चों के साथ अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलता है बैट बॉल फुटबॉल या बैडमिंटन मतलब जितने आउटडोर गेम्स होते हैं जिनमें फ़िजिकल एक्जर्शन नीडेड होता है तो उससे क्या होता है कि जो उसके मस मसल्स होती हैं वो स्ट्रॉन्ग बनती हैं और मसल जब स्ट्रांग होगी तो बोन मास जो होता है वो बढ़ता है तो जिससे फिजिकल डेवलपमेंट जो होता है उसकी वो एक्सिलेट करता है मतलब उसकी जो स्पीड होती है वो बढ़ जाती है सो प्रॉपर एक्सरसाइज हेल्प चिल्ड्रन ग्रो वेल एंड रीच माइल स्टोन ऑन टाइम और सूनर तो जो बच्चे ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं ज़्यादा आउटडोर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं उन बच्चों का जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो माइलस्टोन से पहले हो जाता है एक्सरसाइज ऑल्सो कीप्स दैम हेल्दी एंड फाइट्स ऑफ डिजीजेज बाई स्ट्रेंथनिंग द इम्यून सिस्टम स्पेशली इफ दे प्ले आउटसाइड तो एक्सरसाइज का ये भी फायदा होता है कि जितनी एक्सरसाइज करते हैं उतने बच्चों का स्टेमिना बढ़ता है और जितना इस्टेमिना बढ़ेगा जितना बच्चे बाहर के इन्वायरमेंट से एक्सपोज होंगे उतनी उनकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी तो इससे वो हेल्दी भी रहते हैं फिफ्थ इज द हारमोन्स हारमोन्स बिलोंग टू द एंडोक्राइन सिस्टम एंड इन्फ्लुएंस द वेरियस फंक्शंस ऑफ अवर बॉडीज एंडोक्राइन सिस्टम्स क्या होती हैं ये डकलेस ग्लैंड्स के थ्रू जो हारमोन्स होते हैं उनका सिक्रीशन डायरेक्ट हमारे ब्लड में हो जाता है तो ये जो हारमोन्स हैं डायरेक्टली ब्लड में सिक्रीट हो हमारे डिफरेंट फंक्शंस uh, को हमारे मूड स्टेट्स को अफेक्ट करते हैं तो हारमोन्स बिलोंग टू द एंडोक्राइन सिस्टम एंड इन्फ्लुएंस द वेरियस फंक्शंस ऑफ अवर बॉडी

जैसे थायरॉयड हो गई ग्लैंड अगर इसका प्रॉपर सिक्रीशन नहीं होता है बहुत कम होता है तो बच्चे की हाइट जो होती है वो रुक जाती है या इसका बहुत ज़्यादा सिक्रीशन होने लगता है तो बच्चे की हाइट अननेचुरली बढ़ने लगती है सेक्स हार्मोन्स का सिक्रीशन नहीं होगा तो जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो डेवलप नहीं होती हैं गर्ल्स में ब्रेस्ट डेवलपमेंट नहीं होगा बॉयज़ में आवाज़ उनकी पतली रह जाएगी तो डिफरेंट टाइप के जो हार्मोन्स होते हैं वो बच्चे के फिजिकल डेवलपमेंट को के लिए बहुत इंपॉर्टेंटली कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं तो हारमोनल इज हारमोन्स इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर फैक्टर ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट सिक्स इज द न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन इज ए क्रिटिकल फैक्टर इन ग्रोथ एज एवरी थिंग द बॉडी नीड्स टू बिल्ड एंड रिपेयर इट सेल्फ कम्स फ्राम द फूड बीट मैल न्यूट्रिशन कैन कॉज डिफिशियंसी डिजीजेज दैट एडवर्सली अफेक्ट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑन द अदर हैंड ओवर ईटिंग कैन लीड टू एबैसिटी एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स इन द लॉन्ग रन तो न्यूट्रिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन का मतलब है कि हम बैलेंस डाइट ले रहे हैं कि नहीं हमारी बॉडी को न्यूट्रिशंस कितने जा रहे हैं जितने हमें प्रोटीन की ज़रूरत है क्योंकि जो बच्चा ग्रोइंग होता है उसको कैल्शियम और प्रोटीन की बहुत प्रोटीन की बहुत ज़रूरत होती है तो वो प्रॉपर ले रहा है जो हम डाइट ले रहे हैं उसके थ्रू जा रही है कि हमें प्रोटीन का सप्लीमेंट लेना पड़ेगा इन सब चीज़ों को देखना पड़ता है तो अगर न्यूट्रिशन अच्छा है तो हमें किसी सप्लीमेंट को बच्चे को देने की ज़रूरत नहीं पड़ती तो न्यूट्रिशन प्लेज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फिज़िकल डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड क्योंकि अगर न्यूट्रिशन नहीं होगा तो हेरिडिटी चाहे जितनी अच्छी हो बच्चे की ग्रोथ नहीं हो पाएगी सेवेंथ इज़ फैमिलियल इन्फ्लुएंसेस families have the most profound impact in nurturing a child and determining the ways in which they develop psychologically and socially the most positive growth is seen when families invest time energy and love in the development of the child through activities such as reading to them playing with them and have and having deep meaningful conversations families that abuse or neglect child would affect their positive development तो फैमिली का एटमॉस्फेयर जैसा होगा अगर हमें पेरेंट्स से बहुत पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है पॉजिटिव री मिल रहा है तो पेरेंट्स आर स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विद द चिल्ड्रन और पेरेंट्स उनके साथ काफ़ी फ़ोकस uh, कर रहे हैं हर चीज़ में उनके ध्यान दे रहे हैं कि बच्चे को किस चीज़ की ज़रूरत है उसकी साइकोलॉजिकल और फिज़िकल और बॉडीली नीड्स को पूरा कर रहे हैं तो वो जो बच्चे का फिज़िकल डेवलपमेंट है वो भी अकॉर्डिंगली पॉजिटिवली अफेक्ट होता है

वहाँ पे पार्क हैं लाइब्रेरीज़ हैं या कोई कंप्यूटर सेंटर हैं या आप किसी मॉल में रह मतलब आप किसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रह रहे हो वहाँ स्विमिंग पूल भी है वहाँ पे कल्चरल क्लब्स भी हैं वहाँ पे आए दिन पार्टीज़ होती रहती हैं वहाँ पे सारे बच्चे इकट्ठे होते हैं डिफरेंट टाइप के गेम्स खेलते हैं तो उसका जोग्राफिकल इन्फ्लुएंस जो होता है वो बहुत पॉजिटिव पड़ता है लेकिन इसको हम इन्वायरमेंट की हेडिंग के अंडर भी डाल सकते थे क्योंकि इट इज़ अ पार्ट ऑफ अवर इन्वायरमेंट कि हाउ मच एनरिच्ड एनवायरमेंट वी आर प्रोड्यूसिंग वी आर प्रोवाइडिंग टू अवर चिल्ड्रन नाइन्थ इज सोशो इकोनॉमिक स्टेटस इट इज़ ऑल्सो इट कैन ऑल्सो बी अ सब हेडिंग ऑफ एनवायरमेंट न्यूट्रिशंस भी इससे ही रिलेटेड होता है क्योंकि जितना लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस होगा उस फैमिली के पेरेंट्स अपने बच्चे को उतना कम न्यूट्रिशन दे पाएंगे द सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ ए फैमिली डिटर्मिज द क्वालिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी अ चाइल्ड गेट्स स्टार्टिंग इन बेटर स्कूल्स दैट आर मोर एक्सपेंसिव डेफिनेटली हैज़ बेनिफिट इन द लॉन्ग रन चिल्ड्रन फ्राम पुअर फैमिलीज मे नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशनल रिसोर्सेज एंड गुड न्यूट्रिशन टू रीच देयर फुल पोटेंशियल दे मे ऑल्सो हैव वर्किंग पेरेंट्स हु वर्क टू मीनी आर्स एंड कैन नॉट इन्वेस्ट इनफ क्वालिटी टाइम इन देअ डेवलपमेंट तो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस का बहुत इफेक्ट पड़ता है फिजिकल डेवलपमेंट पे अगर आप अच्छे सोशो इकोनॉमिक स्टेटस को बिलोंग करते हैं तो आपके पेरेंट्स आपको ज़्यादा टाइम दे सकते हैं अगर टाइम भी नहीं दे सकते हैं तो वो अपने टाइम को कॉम्पनसेट कर सकते हैं अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे स्कूल में डाल के वहाँ पर उनको अच्छा इन्वायरमेंट होता है वहाँ पे अच्छे एजुकेटेड बच्चे आते हैं और अगर आप अच्छे स्कूल में जा रहे हैं तो वहाँ पे जो दूसरे बच्चे आ रहे हैं उनकी भी जो बैकग्राउंड होगा फैमिली इन्वामेंट होगा वो भी नेचुरली बेटर होगा तो वो उनसे भी कुछ सीखेंगे अपने टीचर से सीखेंगे तो जो हाई सोशो इकोनॉमिक स्टेटस होता है वो बच्चों को अच्छा इन्वायरमेंट uh, भी प्रोड्यूस कर सकता है प्लस उनका जो न्यूट्रिशन होता है वो भी बच्चों को वो ज़्यादा प्रोवाइड कर सकते हैं जबकि जो लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस वाले बच्चे होते हैं मान लीजिए किसी मज़दूर के यहाँ के बच्चे हैं तो उनके पेरेंट्स के पास इतना टाइम ही नहीं होता है कि वो अपने बच्चे को इतना टाइम दे सकें ना उनके पास इतना टाइम होता है कि वो स्कूल भेज सकें उनके बच्चे तो उनके साथ उनके वर्क प्लेस में जाते हैं वहाँ पर वो भी काम करने लगते हैं या यूँ ही खेलते रहते हैं तो इसका भी फिजिकल डेवलपमेंट पर बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है कि वॉट टाइप ऑफ सोशल स्ट्रेटा The child belongs also affects positively or negatively to the physical development of the child. And the last is learning and reinforcement. Learning involves much more than schooling. It is also concerned with building the child up mentally, intellectually and emotionally. Learning का क्या मतलब होता है? Learning का यही मतलब नहीं होता है कि हम आपको कुछ स्कूल में भेज के सिखा रहे हैं या घर में हमने आपको पेंटिंग सिखा दी या कुछ uh, और स्किल सिखा दी। That is not only learning. लर्निंग इन्वाल्व एवरी थिंग बच्चा अगर आ, कुछ आ, डिसिप्लिन घर में सीख रहा है या वो ये सीख रहा है कि उसको अपनी चीज़ें अच्छे से रखनी चाहिए दिस इज़ ऑल्सो लर्निंग री इन्फोर्समेंट क्या होता है जब हम अच्छी चीज़ों को सिखाने के लिए बच्चे को पॉजिटिवली इंक्रेज करते हैं और वो पॉजिटिव इनक्रेजमेंट पैसे के टर्म में भी हो सकता है बच्चे के टर्म में हम उसे चॉकलेट दे सकते हैं या जो कुछ भी उसे अच्छा लगता है वो हम उसे दे सकते हैं मोनीटरी एज़ वेल एज नॉन मोनीटरी इंसेंटिव हो सकते हैं तो री तब देते हैं जब बच्चा वो एक्टिविटी करता है जिसे हम स्टैम्प स्टैम्पिन करना चाहते हैं मतलब जिसे हम स्ट्रेंदन करना चाहते हैं तब हम उसे पॉजिटिव रिवॉर्ड देते हैं अगर हम बच्चे से कह रहे हैं कि अगर तुम एक चैप्टर याद करके सुना दोगे तो मुझे एक चॉकलेट दूंगी तो अगर बच्चा पोएम याद करके सुना देता है तो हम उसे चॉकलेट दे देते हैं दिस इज कॉल्ड लर्निंग बाई री तो ये जो लर्निंग एंड री इन्फोर्समेंट होते हैं ये भी बच्चे के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी पॉजिटिवली प्ले करते हैं री इन्फोर्समेंट इज़ अ कॉम्पोनेंट ऑफ लर्निंग वेयर एन एक्टिविटी और एक्सरसाइज इज रिपीटेड एंड रिफाइंड टू सॉलिडिफाई द लेसन लर्न और ये ऑपरेंट कंडीशनिंग से रिलेटेड uh, है जिसमें स्किनर uh, ने सबसे पहले री इन्फोर्समेंट और पनिशमेंट uh, के बारे में बताया था किफ यू वॉन्ट टू स्टैम इन समिविटी इन एंड स्टैम्ब आउट वाला कॉन्सेप्ट थॉन्डाइक ने बताया था उनके हिसाब से जिन एक्टिविटीज़ को हम इन करना चाहते हैं उनको हम पॉजिटिवली री करते हैं और जिनको हम स्टैम्प्ड आउट करना चाहते हैं उनको हम नेगेटिवली री करते हैं और धीरे धीरे बच्चे को पता चल जाता है कि कौन सी एक्टिविटीज़ उनसे डिज़ायर्ड हैं और कौन सी एक्टिविटी पेरेंट्स नहीं चाहते हैं कि वो करें तो फिज़िकल डेवलपमेंट को एट ए ग्लान्स अगर हम देखें तो फिज़िकल डेवलपमेंट किसी बच्चे के शरीर में होने वाले वो सारे मोटर डेवलपमेंट या उसकी वो सारी फिजिकल ग्रोथ है जो कंसेप्शन से लेकर अडल्टड तक होती है वो चाहे उसका वेट गेन हो चाहे हाइट गेन हो चाहे उसके मेचोरिटी ऑफ द मसल्स हो ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट हो या फाइन मोटर डेवलपमेंट हो ऑल इंक्लूड्स इन द फिज़िकल डेवलपमेंट और फिज़िकल डेवलपमेंट डिफरेंट पैटर्न्स में चलता है वो दो पैटर्न्स हमने आपको बताए सिफेलोकॉडल एंड प्रोक्मोडिस्टल और फिज़िकल डेवलपमेंट को प्रभावित करने वाले बहुत से फैक्टर्स होते हैं जिनमें मेन आपका हेरिडिटी एनवायरनमेंट एंड जेंडर एंड सोशो इकोनॉमिक स्टेटस होता है जो कि हमारे बच्चे के फिजिकल डेवलपमेंट को पॉजिटिवली या निगेटिवली अफेक्ट करते हैं तो दिस वॉज ऑल अबाउट Physical development of the child and the factors which affect the physical development of the child. This was all about today's lecture. Thank you.